दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। फिर क्या था, एक तरफ सेना के सेनापति कौरव दल में महाबली कर्ण थे, दूसरी तरफ पांडवों में अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सवार थे। वो भयंकर युद्ध चल रहा था, आसमान में अंगारे नजर आ रहे थे, जहां देखो धुआं ही धुआं, परले जैसा ढंग था। आज जैसे ही मैदान में कर्ण की विजय होने वाली थी, तभी ऋषि परशुराम का दिया हुआ श्राप उसके सामने आ जाता है कि रण में जिस दिन तू अपने जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध में लड़ाई करेगा, उस दिन तेरे रथ का पहिया जमीन में धस जाएगा और मेरी शक्तियां भी तेरे काम नहीं आएंगी। वैसा ही होता है, आज रथ का पहिया भूमि में जमीन में धस जाता है, पहिए को उखाड़ने के लिए रथ से नीचे आता है, धनुष बाण धर देता है। उधर अर्जुन भी धनुष बाण रख देता है, लेकिन जो छलिया रथ पर सवार थे श्री कृष्ण, आज अर्जुन को बहकाने लगते हैं कि पार्थ, अरे तेरा मौका है, अगर आज भी इसे नहीं मार पाया तो जिंदगी में नहीं मार पाएगा। मना कर देता है श्री कृष्ण। जब महाभारत के नियम बने थे तो आपने और दादा भीष्म ने नियम बनाए थे, आज खुद कह रहे हो कि उन्हें तोड़ दो, एक से एक लड़ेगा, निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा और जो रथ के नीचे होगा उस पर भी वार नहीं किया जाएगा। एक तो कर्ण निहत्ता है, दूसरा रथ के नीचे है, किस तरह से प्रहार करूं? लेकिन बड़े बुद्धिमान थे, इसे जल के रचयिता थे। आज बुद्धि को फेरने का प्रयास करते हैं, कभी लंका भवन की याद दिलाते हैं, कभी द्रौपदी चीरहरण की याद दिलाते हैं। और जैसे ही साथियों कहा कि याद कर, चार दिन पहले तेरे बेटे अभिमन्यु को सात सात लोगों ने घेर कर मारा था, तब कहां गए थे युद्ध के लिए? इतना कहते ही खून खोल जाता है अर्जुन का, धनुष पर बाण चढ़ाता है, निशाना साधता है, उधर से आवाज आती है कि ठहर जाओ धनुर्धर, अगर तूने छत्राणी का दूध पिया है तो मुझे थोड़ा सा समय दे, रथ का पहिया उखाड़ने दे, मैं बताऊंगा कि मैं छत्री हूं या सूत पुत्र हूं। किस तरह से क्या कहता है सुनेंगे तो बोलो। मैं रथ को उखाड़ूं मत मारे अर्जुन बाण ने, कर धारम की लड़ाई कर धारम की लड़ाई तू धरते ती समान ने, रथ को उसे कमल लैन की जो गऊ घेरी थी उनकी याद आती है, कहीं मैंने उस उन गऊओं को वृथा ही सता दिया था, उनका श्राप तो नहीं लग गया मुझे? किस तरह से आज कहां पे दिमाग जाता है, क्या कहता है? No!
सौ रुपए पहले, 101 रुपए फिर से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। किस तरह से बड़े भाई चौधरी सर्वेश जी उर्फ टिल्लू भैया छोलस की पटैया भाई, कई हजार रुपए पहले दिए हैं, 1000 रुपए से फिर सम्मान किया, हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं बड़े भाई तरुण बालियान की रागनी पर। और श्रीमान प्रधान भाया निवासी श्री प्रदीप चौधरी जी, प्रदीप तेवतिया जी, भाई भूल चूक हो जाए तो प्रधान जी 1000 रुपए देके गलती माफ कर दी हो मेरी, वो भी 1000 रुपए से भाई तरुण बालियान जी की रागनी पर हमारी टीम का सम्मान करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और बाकी हवाला भाई जी बताएंगे। श्रीमान रोहित चौधरी जी हसनपुर से स्पेशल इनाम देके गए हैं, बोल रहे हैं कि ये दूध पीने के लिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा अगली बात में,